महाराष्ट्र की आवाज न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गोदुता एकता विकास मंच के अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र की आवाज न्यूज चैनल के संपादक समाज सेवक वसीम भाई देशमुख, इनके जन्मदिन के मौके पर गोदुताई वीडी घरकुल में वसीम भाई देशमुख मित्र परिवार की तरफ से इजामा कैंप का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम अलहाज फारूक भाई शाब्दी इनके मार्गदर्शन में और अहले सुन्नत वल जमात के शहर अध्यक्ष अलहाज अय्यूब भाई कुरैशी इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में समाज सेवक अय्यूब भाई तांबोड़ी, हारिस भाई कुरैशी, शकील भाई शेख, अज्जो भाई शेख, हाफिज तबरेज मनियार, अमजद भाई पठान, सरफराज उर्फ शाहरुख, सैपन दीवान आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस हिजामा कैम्प का लाभ 150 लोगों ने उठाया। इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए आरिफ दाऊद, महबूब सिपाही, मुस्तफ़ा शेख, गौश शेख, नवाज खरादी, महबूब पटेल, खालिद देशमुख, इमरान दाऊद, समीर पटेल, मुस्तकीम कुरैशी, समद कुरैशी, अजहर शेख, अरबाज शेख, वसीम शेख, सिराज नदाफ, शहबाज नदाफ, सद्दाम शेख, मौला चाउस, वाहिद शेख, सुहेल खरादी, तबरेज बिजापुरे, अबू शेख, यासीन गदवाल, साबिर शेख, इन्होंने परिश्रम किया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे वसीम भाई देशमुख इनके जन्मदिन के मौके पे ज़्यादा हिजामा कैंप लिया गया है। यहाँ पे लोगों ने घरकुल के अंदर यहाँ पे हिजामा कैंप लिया गया है और इस हिजामा कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आकर यहाँ पे अपना हिजामा कैंप किया और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। और मैं वसीम भाई देशमुख इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ पे बुलाकर हमें जो इज़्ज़त बख्शी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे मौजूद शकील भाई शेख और अज्जो भाई, सैपन भाई और खालिद भाई, इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज घरकुल गोदुताई के अंदर क विभाग में वसीम भाई देशमुख इनके जन्मदिन के मौके पर हिजामा कैम्प रखा गया था, जिसके अंदर अज्जो भाई, हारिस भाई, सैपन दीवान, वसीम, खालिद देशमुख, सद्दाम और मुस्तफ़ा, वसीम भाई देशमुख के तमाम दोस्त हाजिर थे और यहाँ के लोगों ने इस हिजाब काम शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अल्लाह ताला इसका साहब वसीम भाई को उनके रोजी रोजी में बरकत दे, सियासी तौर पर उनकी तरक्की हो और हम तमाम दोस्तों के दिल से गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपने दो अल्फाज ख़त्म करता। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज़ को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस